तो ये था माइनक्राफ्ट का ट्रेलर और ये है माइनक्राफ्ट। आई नो डिफरेंस काफी ज्यादा ह्यूज है, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि मैं माइनक्राफ्ट को ट्रेलर से बेटर बना दूं और माइनक्राफ्ट के एनिमेशन, टेक्सचर, लाइटिंग सब कुछ फिक्स कर दूं। तो ये मैं स्पॉन हो चुका हूँ और सबसे पहले मैं सारे के सारे रिक्वायर्ड मॉड डाउनलोड कर लेता हूँ जिनके बगैर दूसरे मॉड नहीं चलेंगे। तो ये रहे स्क्रीन में सारे के सारे मॉड्स, आपको अगर देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये तो हो गए रिक्वायर्ड मॉड्स, अब बारी है टेक्सचर्स की। जो आप लोगों को पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट के ट्रेलर में टेक्सचर्स को काफ़ी मिनिमलिस्टिक और सिंपल लुक दिया गया है और गेम पूरा ऑपोजिट है। तो इसके लिए मैं इंस्टॉल करूंगा बेयर बोन्स टेक्सचर पैक, जिसके बाद गेम के टेक्सचर बिल्कुल ट्रेलर की तरह हो जाएंगे, एकदम मिनिमलिस्टिक और सिंपल। और अगर आपके पास कोई पावरफुल पीसी नहीं है तो आप सिर्फ टेक्सचर पैक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वनीला गेम में। और आप खुद देखो सिर्फ टेक्सचर पैक के बाद गेम कितना डिफरेंट हो चुका है, लाइक ऑलमोस्ट ट्रेलर बन चुका है। बट ये सिर्फ अभी ऑलमोस्ट ट्रेलर बना है, हमें भी काफ़ी सारे और मॉड इंस्टॉल करना है जिसके बाद ये गेम और बेटर हो जाएगा और इवेंचुअली ट्रेलर से बेटर हो जाएगा। तो ये तो हो गए टेक्सचर्स, अब बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ। तो लेट मी टेल यू, गेम की एनिमेशन घटिया है, आप खुद देख लो। आपको भी दिख गया होगा जो इस विलेजर है उसकी एनिमेशन ट्रेलर में कैसी थी और एक्चुअल में कैसी है, ये कार भी ट्रेलर में नाच रही थी। बट सरप्राइजिंगली इसमें से एक भी एनिमेशन एक्चुअल गेम में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको मैं लाने के लिए गेम में इंस्टॉल करूँगा फ्रेश एनिमेशन रिसोर्स पैक, जिसके बाद सारे मॉब्स के पास खुद की एनिमेशन आ जाएगी, उनके आइज ब्लिंक करेंगी और वो एक्सप्रेशन दे पाएंगे। एंड ऑल थैंक्स टू इट्स क्रिएटर फ्रेश एलेक्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर ये रिसोर्स पैक एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वीडियो का कुछ मतलब होता, क्योंकि लाइक ट्रेलर की मेन एनिमेशन ही गेम के अंदर नहीं आ पाती एंड देयर फॉर वीडियो का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये रिसोर्स पैक ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉब्स को एनिमेशन दे देता है एंड ये सारे के सारे लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल भी है, तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो होगी मॉब्स की एनिमेशन, बट व्हाट अबाउट प्लेयर की एनिमेशन? तो प्लेयर की एनिमेशन की सबसे पहला मॉड मैं इंस्टॉल करूंगा नॉट इनफ एनिमेशन, जिसकी वजह से गेम में थोड़ी बहुत एनिमेशन लाइक मैप होल्डिंग, ईटिंग एनिमेशन, लाइक हॉर्स राइडिंग जो कि फर्स्ट पर्सन से और भी अच्छी लगती है, लैडर को क्लाइम करने की एनिमेशन, क्रॉलिंग एनिमेशन, बोट चलाने की एनिमेशन और भी काफ़ी सारी एनिमेशन, हालांकि मैंने सारी की सारी बता दी है। बट अभी भी प्लेयर की मूवमेंट अच्छी हुई है, तो उसके लिए मैं इंस्टॉल करूँगा इम्प्रूव्ड एनिमेशन मॉड, जिसके बाद प्लेयर की एनिमेशन लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, फॉलिंग, हर एक तरह की एनिमेशन, स्विमिंग एनिमेशन, लाइक हर टाइप की एनिमेशन आ जाएगी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और गेम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को अच्छा कर देता है। अब मैंने मॉब्स के एनिमेशन और प्लेयर के एनिमेशन सही कर दिए। अब नेक्स्ट मॉड मैं इंस्टॉल करूंगा फिजिक्स मॉड प्रो, जो कि अब फ्री है। तो मैंने इस मॉड को इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि मुझे इसकी एक स्पेसिफिक फीचर को इनेबल करना है, जो कि है डायनामिक ब्लॉक। और इसको इनेबल करने के बाद गेम में जितने भी लाइक डोर्स वगैरह उनको ओपन करते वक्त ऐसी बिल्कुल स्मूथ सी एनिमेशन आ जाएगी। ट्रैप डोर्स में भी ये काम करता है और इवन लाइक शुगर केन के थ्रू हम वॉक करेंगे तो लाइक वो भी ऐसे लाइक मूव करेंगे जो ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। ये वाइन्स में भी काम करते हैं। तो अब हमारा एनिमेशन भी डन हो चुका है और अब मैं थोड़े एक्स्ट्रा मॉड्स भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, जिनमें सबसे पहला मॉड जो मैं डाउनलोड करने वाला हूँ वो होगा ईटिंग एनिमेशन, जो ईटिंग एनिमेशन को एनहांस कर देता है एंड इंस्टेड ऑफ चेकिंग द होल थिंग एट वंस, अब प्लेयर धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स लेके खाता है, तो देखने में अच्छा भी लगता है और उतने टाइम में पूरा मील भी कम्प्लीट हो जाता है और प्लेयर थोड़ा कम्फर्ट भी लगता है। तो एक्स्ट्राज में नेक्स्ट जो मॉड आता है वो है केव डस्ट मॉड, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रेलर में घूमते रहते हैं और वो वनीला गेम के अंदर है ही नहीं, तो उनको ऐड करने के लिए मैंने इंस्टॉल किया केव डस्ट मोड, जिनके बाद केव के अंदर ऐसे पार्टिकल आ जाते हैं। पर हाँ, इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं आते, मैंने थोड़े इसके पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ाया है ताकि वीडियो में दिख जाएं। और ये मॉड फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप इसमें कुछ भी कस्टमाइज करके कर सकते हो और इस मॉड की मदद से लाइक जो बोरिंग केव्स फील होती थी वो थोड़ी और लाइवली फील करेंगी और स्ट्रिप माइनिंग करते वक्त बोर भी नहीं होंगे आप। एंड तो जो लास्ट मॉड है हमारा एक्स्ट्राज में वो है वेक्स मॉड, जो कि लाइक पानी में बोट चलाने से रिपल्स जैसे इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि लाइक हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था केव्स एंड क्लिफ के, एंड ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगता है देखने में, ये शेडर के साथ भी कंपेटेबल है काफ़ी सारे। बट अगर आपने फिजिक्स मॉड प्रो में ओशन वाली सेटिंग ऑन कर रखी है तो ये काम नहीं करेगा, कुछ थोड़ा बग आउट कर जाएगा, तो उसको ऑफ ही रखना आप। और ये लाइक सारे मॉब के मास के हिसाब से लाइक रिपल्स क्रिएट करते हैं वाटर के ऊपर, जैसे अभी आयरन गोलम का छोटा सा रिपल क्रिएट किया और अब मैं स्निफर स्पॉन करता हूँ, स्निफर का देखो कितना बड़ा रिपल क्रिएट हुआ। और लाइक अगर मैं क्रिएटिव मोड में फाइट करूँगा पानी के ऊपर तब भी ऐसे इफेक्ट आएगा, और लाइक ये सिनेमैटिक मूवीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बस शेडर ऑन कर लेना क्योंकि शेडर के बाद लुक अलग ही आएगा और ये ऑलमोस्ट सारे शेडर से कंपेटेबल ही है। तो ये हो गए हमारे एक्स्ट्राज, और जाते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे जो कि है लाइटिंग। तो शेडर्स के लिए मैं यूज़ करूँगा कॉम्प्लीमेंट्री रीइमेजिन्ड शेडर और क्लाउड सेटिंग में जाके मैं क्लाउड स्टाइल को वनीला कर दूंगा रीइमेजिन्ड या फिर अनबाउंड से, इसके बाद हमारे क्लाउड्स डब्बे जैसे जाएंगे गेम की तरह।
फैंटेसी को हमारा गेम बन चुका है माइनक्राफ्ट के ट्रेलर से बेटर। सारे के सारे माउस के एनिमेशन है, ट्रेलर लेवल की रेड फाइट्स हैं और सारे मोड्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हैं, इसलिए गेम भी क्रैश नहीं होता। और यहाँ रहे कुछ सिनेमैटिक जो मैंने शूट किए थे। और हाँ, सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, अगर आपको डाउनलोड करना है तो जाके खुद कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।